हाय गाइस, नया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप लोग देख सकते हो एरोप्लेन एंड इधर हम लोग का रॉकेट, दोनों एक साथ क्या ही फ्रेम आ रहा है। तो आज का व्लॉग गाइस बहुत कमाल का होने वाला है, बिकॉज मेरा ये बाइक का आप लोग जानते हो 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। एंड अभी भी ये बाइक एकदम स्टॉक है, मतलब कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। मॉडिफिकेशन का नाम तो अभी खाली मैं यूट्यूब का स्टिकर लगाया, मैं चैनल का नाम लगाया, बस यही इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, बाकी बाइक एकदम से स्टॉक है। तो आज हम लोग जाएंगे धनबाद, जो कि मेरा घर से पड़ता है 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर दूर जाके आज पूरा बाइक को हम लोग मॉडिफाई करवाने वाले हैं। जो आप देख रहे हैं इसका फ्यूल इंडिकेटर, इसको ईवीजी कर देंगे, इधर ZX4 वाला मीटर लग जाएगा, और भी ढेर सारा चीज़ होने वाला है। एंड सबसे मेन चीज़ कितना खर्चा आएगा वो तो मैं वहाँ पे जा करके बताऊँगा। और भाई ये लुक, जो स्टॉक लुक को आप लोग आज लास्ट बार जैसा देख लो, तो इसके बाद आपको बाइक कुछ और ही लुक में देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं फटाफट से। एंड आप लोग से मैं प्रॉमिस किया था, जो लोग मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोग को मालूम होगा कि मैं प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी इसको मॉडिफाई करवाएंगे। तो आप लोग का प्रॉमिस करूँ उसको ना निभा सकता, तो भाई हो नहीं सकता। तो बस इसलिए हम लोग निकल पड़े। एंड वेदर देख सकते हो पूरा बारिश वाला, देख सकते हो पूरा अभी बारिश पड़ रहा था। एक जगह हम लोग रुके भी थे साइड में, तो पूरा रास्ता ही ऐसा, हम लोग का ऐसा ही कभी रुकना पड़ेगा, कभी जाना पड़ेगा, रुक के जाएंगे, रास्ते पे जाना पड़ेगा। थोड़ा कठिन सफर है, लेकिन कोई नहीं, ऐसा एडवेंचर कभी कभी करना चाहिए। वीडियो बन रहा, बहुत मजा आने वाला। चलो चलते आपका रॉकेट को लेकर, लेट्स गो। ऐसे नहीं जाएंगे, हेलमेट फेंकने उसके बाद जाएंगे। तो लोग बोले कहाँ है हेलमेट, ये देखो हेलमेट इधर है, और तो गोप्रो भी लगाएंगे, मोटो ब्लॉग भी मिलता है। तो भाई साहब, यहाँ जो है हम लोग आ चुके हैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, आप लोग ये चेक करो। एंड वो जगह हम लोग क्रॉस करके थोड़ा जस्ट आगे आए, आगे देखो यहाँ पे भाई पानी का कोई नामो निशान नहीं है, पूरा रोड सूखा हुआ है इधर का, चल आप लोग को दिख रहा होगा। एंड उधर तो आप लोग देखे कितना पूरा बारिश वाला सीन था एकदम। तो यही होने वाला भाई पूरा रास्ता में, कहीं हम लोग को बारिश मिलेगा, कहीं सूखा रास्ता मिलेगा। चलो चलते हैं। एंड बहुत दिन से मेरा मॉडिफाई करवाने का मन था, लेकिन भाई साहब थोड़ा मतलब क्या बोले, पहले पैसा इकट्ठा कर रहे थे गोप्रो के लिए, तो अपना गोप्रो तो आ चुका है, तो अभी चलो सर्विस भी करा लें अपना बाइक कल। एंड आज देखो हम लोग मॉडिफाई कराने के लिए जा रहे हैं, मतलब सब कुछ होता है लेकिन थोड़ा समय ही चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे धैर्य के साथ हर एक चीज़ करना पड़ता है अपने को। तो बस हम लोग चल रहे हैं, इधर देखो एक ब्रिज भी बन रहा है, शॉर्टकट हम लोग ले करके जा रहे हैं। शॉर्टकट तो लिए, लेकिन शॉर्टकट हम लोग का थोड़ा गाड़ी को गंदा कर देगा, बिकॉज बरसात का टाइम है भाई। और ये कीचड़, ये देखो पानी भरा हुआ है इधर। चल इधर से चलते हैं, कीचड़ 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 कीचड़। चलो फाइनली पहुंच चुके हम लोग। नहीं भाई नहीं पहुंचे। हाँ अब सोचना भाई सब कहाँ से हम लोग पार करेंगे। चलिए इन लोगों को फॉलो करते हैं, लेट्स फॉलो देम। बाइक गंदा हो जाएगा। मेरा बाइक गया पानी में छपक। अरे भाई स्किड कर रहा है। मेरा जूता भी गया पानी में छपक। गजब स्कीड मारा, लेकिन आधी पीछे गजब खड़ डाला, सोचा मैं गिरा दूंगा पानी में छपाक। कैसा डरा था पूरा पकड़ लिया कस के एकदम। भाई तेरा छपाक हो जाता आज खोपड़ी तो साले का। और अभी हम लोग गाइस आ चुके हैं बॉर्डर पे, आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, बंगाल से जा रहे हैं हम लोग झारखंड। सो ये है बंगाल बॉर्डर, यहाँ पे हो चुका समाप्त। एंड आगे से यहाँ से चालू हो चुका गाइस झारखंड, ये देख सकते हो दूसरा स्टेट में हम लोग फाइनली घुस चुके हैं। चलो भाई चलते हैं, अभी चल मॉडिफाई कराते हैं हम लोग कार R15 को। तो बहुत लोगों से बात किया तो सब मेरे को यही सजेस्ट किया कि धनबाद जाकर के मॉडिफाई करा लो, या तो धनबाद या फिर कोलकाता चल जाओ। तो कोलकाता भाई पड़ता है 300 किलोमीटर, धनबाद 100 किलोमीटर, तो इसलिए हम धनबाद ही जा रहे हैं। सो जब मॉडिफाई कराएंगे भले थोड़ा महंगा हो, लेकिन भाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और आप में से भी बहुत कोई मेरे को बोले थे कि आकाश भाई अपना R15 को मॉडिफाई कराओ, तो आप लोग बोलो एंड मैं वो ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता भाई। आप लोग जो बोलते हो मैं वही करने का कोशिश करता हूँ, तो इसलिए भाई करना तो पड़ेगा, ये आप लोग का डिमांड है। अरे चाचा देख के क्रॉस करते हैं, आप बीच रास्ते में आकर देख रहे हो। तो भाई साहब वो जो मैं आ चुका हूँ पीछे, आधी फिलहाल राइड कर रहा है। एंड अभी का मौसम देख सकते हो, लग रहा है कि वापिस से बारिश आने वाला है। ये चेक करो मौसम, देखो ये देखो धनबाद का बोर्ड, ठीक है। ये हम लोग आ चुके हैं एक चौराहा पे, तो इधर आपका जाता है मेरा जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता, इधर आपका चल जाता है आपका रांची जाता है ये वाला, और इधर वाला आपका जाता है धनबाद। आप सीधा का निकल जाओगे धनबाद पहुंच जाओगे, इधर जाता है आपका रांची, देख सकते हो लिखा भी है रांची 111 किलोमीटर, जहाँ हम लोग के धोनी सर का घर है। ओ भाई इधर बारिश चालू, चल 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 आगे चल आगे चल आगे चल, उधर बारिश नहीं था पीछे, इधर बारिश चालू।
भाई तो फन हो गया भाई। चलो चलो आगे चला, देखो आगे बारिश नहीं हो रहा, ये जगह पे हो रहा है। चलो खींचो खींचो तुम पूरा खींचो, कम ऑन लेट्स रॉक एंड रोल। मेरा गोप्रो ना भीग जाए, गोप्रो का गाइस हम लोग घुसा देते, बाद में मिलते हैं गाइस। दो घंटा का सफर तय करने के बाद अभी आप लोग टाइम चेक कर सकते हो, 4:50 तुझे मतलब शाम का 5 बज रहा है। एंड अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पे मॉडिफाई हम लोग का बाइक को करवाने वाला मॉडिफिकेशन शॉप, वहाँ फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो अभी काम चालू होने वाला है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आगे भैया से मिलिए, कितना टाइम लगने वाला भैया? हाफ एन आवर हो जाएगा। सही है, फटाफट से कराते हैं, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, देखते हैं कैसा कैसा होता है। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं, तो ये ZX Trainer वाला मीटर आप लोग देख सकते हो जो मैं बहुत ज़्यादा लगाएंगे, इसमें यहाँ पे इंडिकेटर भी आता है आपका, और बाकी इधर लाइट चेक कर सकते हो। तो नीचे मुझे लाइट लगता है ना R1M जैसा, तो ये उस टाइप का लाइट है, R1 में वैसा टाइप का लगता है। ये वाला लाइट लगाएंगे सोचा, ये एक आपका ये तीन कलर में ये वाला एक है, एक है आपका रेड, रेड कलर में आता है, वाइट में एंड येलो में। चलो लगाते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। चलो भाई इधर बाइक अपना लग चुका है, R1 इधर कुछ एरिया अपना, एंड बाकी इधर काम भी स्टार्ट होने वाला है। मीटर सब कुछ लगाएंगे, इसका इंडिकेटर भी चेंज होगा और ढेर सारा काम होने वाला है। एक एक करके आप लोग देखते रहो, क्या प्राइस पड़ा अभी मैं आपको बताऊंगा एट दी एंड, ये हर एक चीज़ का क्या हमको कितना प्राइस पड़ रहा है। मिरर हम लोग का फिट हो रहा है, आप लोग ये चेक कर सकते हो। इसका कनेक्शन कहाँ से दीजिएगा इसका? ये इंडिकेटर से ना। अच्छा, देख सकते हो इसका जो तार जा रहा है, तार आपको यहाँ से घुस रहा है। मिरर का फिटिंग हम लोग यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट, देख सकते हो वायरिंग कुछ यहाँ से गया हुआ है। आगे से लुक दिखाते हैं आपको, ये देखो लग रहा है फिलहाल इसका भी कनेक्शन हो रहा है इधर साइड का भी। तो चलो बैठते हैं हम लोग, देखते हैं पूरा लुक कैसा निकल करके आता है। और अभी फॉग लाइट का फिटिंग हो रहा है, आप लोग देखो नीचे मुझे फॉग लाइट लगेगा उतना यहाँ पर फिटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि R1M जैसा लुक भी मतलब निकल करके आता है भाई। काम होते होते अभी शाम का 6 बज चुका है, आप लोग ये चेक करो काम हो गया है पूरा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसा टाइप के इधर फॉग लाइट इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको ये चेक कराता हूँ। आप ये देखो अंदर में इधर कहीं पर हम लोग लगाएंगे फॉग लाइट, क्योंकि मैं एक वीडियो में देखा कोई बनाया हुआ था, तो अंदर में ऐसा जगह पे हम लोग फिट करेंगे, देख सकते हो लाइट अंदर बनाने से। क्या एक आपको हो गया हिडन भी रहेगा कि लाइट आपका बाहर निकला हुआ ही नहीं लगेगा। सेकंड आपका R1M जैसा फील भी आएगा। थर्ड आपका अगर एक जो शॉकर है आपका ब्रेक मारोगे इसके चलते आपका ये डैमेज भी नहीं होगा, इसके चलते हम लोग अंदर करके लगा रहे हैं इधर। यहाँ पर इसका क्लिप सब लग चुका है, अब यहाँ पर सिंपली लाइट फिट हो जाएगा। भाई साहब इधर बात हुआ था कि आधा घंटा का काम होने का, ठीक है, मतलब 4:45 बजे आए थे। एंड अभी टाइम चेक कर सकते हो कितना हो रहा है, 8:06 फिलहाल टाइम हो रहा है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रॉब्लम आ गया है इधर, ऐसा ही जो वाइट वाला लाइट है ना ये जल ही नहीं रहा भाई, ये बंद हो जा रहा है, मतलब वाइट के चलते चलते येलो हो जा रहा है खुद ब खुद। स्टार्ट करिए देखिए भाई, येलो खुद ब खुद। भाई साहब अभी हो रहा 9:45, ठीक है 4:45 बजाए थे, 9:45 बज रहा फिलहाल अभी का टाइम। लाइट इधर लग चुका अपना, स्टार्ट करता है पहले, देखो नॉर्मल में है, देखो ये एक लाइट हुआ और ये एक लाइट हुआ। एंड चलो भाई अभी चलते हैं हम लोग। भाई बाइक का काम कराने में इतना टाइम कभी सोचे नहीं थे भाई, और भी आज पर बहुत सारा प्लान था हमारा लेकिन कुछ प्लान नहीं हो पाया, इसके चलते इतना टाइम लग गया। चलो लाइट भी ऑन कर लेते हैं। लाइट कैसा दिख रहा है अभी? लाइट का सेटिंग ही तो गलत है, ये कैसा फोकस पड़ रहा है? देखिए लाइट का फोकस देखिए,
भाई साहब इधर जो है हम लोग का काम वगैरह हो चुका है कंप्लीट पूरा। लाइट जलाई लेते हैं वाला, चलो पीला वाला लाइट। घर आता था लाइट खुली है, रास्ते में मेन रोड में लाइट खुली है, ऐसा फिट किया। देखो कैसे करके अब करेगा, देखो अभी देखो भाई कैसा करता हूँ, नीचे वाला लाइट को लगा रहा है। आप लोग ये चेक करो, मतलब इतना घटिया काम, इतना घटिया काम कि मैं क्या ही बताऊँ। देख सकते हो भाई हाईवे है, ठीक है, देख सकते हो हाईवे इधर उधर। अरे गाय लोग नहीं लाई करेगा मारेगा, फिर वो लोग मजाक मस्ती कर रहे, इतना दिमाग खराब हो रहा है कैसे करके लाइट को बांधे हम लोग फिक्स किए कि हम लोग घर तक पहुँच जाए कम से कम। तो अभी चलो धीरे चलाना पड़ेगा, मतलब क्या ही बोलूं यार, बताओ यार भाई। तो और कहीं मन करेगा अपना बाइक में काम करवाए, कहीं मन नहीं करेगा। मैं किसी को कुछ ये नहीं करना चाह रहा, मैं मेरा सब जो हुआ है मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मेरा शेयर कर रहा हूँ। देखो तो पूरा बारिश हो रहा है, भीग के हम लोग आए, भीग से जा भी रहे हैं, समझ में अगर आ रहा होगा आप लोग को, पूरा बारिश हो रहा है। आप लोग ये देखो कैसे करके भाई सब लोग जा रहे हैं। कोई ना चलो, अभी भी घर यहाँ से एक घंटा लगेगा, पूरा पूरी एक घंटा का रास्ता है। चलते हैं, अभी टाइम देखो दिखाते हैं आप लोग को, 11:06 रात का 12 बजे हम लोग घर पहुंचने वाले। तभी जब मैं फाइनली आ चुका हूँ घर, एंड भाई घर आता है लिटरली पूरा भीग चुका था, रेनकोट वगैरह कुछ काम नहीं, मतलब रेनकोट का अंदर पानी आके पता, बहुत खतरनाक बारिश होता। मैं तो नहीं दिखाया आपको उतना, मैं फोन निकाल के आई, मैं बारिश रिकॉर्ड करूँ, पूरा भी रात का टाइम, तो आते आते पूरा भीग गया था। तो घर आकर ड्रेस वेस चेंज करके मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है कैसा नहीं है, बिकॉज अभी भी पूरा बारिश हो रहा है बाहर एकदम खतरनाक वाला। बाय द वे भाई काम तो मेरे को तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज आप लोग खुद देखे कि कैसा पूरा था, मतलब सामान सही है लेकिन फिटिंग्स एकदम अच्छा नहीं किया। आप लोग तो देखे, मैं घर आते आते मेरा जो फॉग लाइट था वाला खुल खुल के मतलब लटक रहा था, हम लोग देख लिए अच्छा, नहीं तो फिर टायर में घुस के पूरा खराब भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हम लोग देख लिए। एंड ओवरऑल भाई मेरे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज देखो आधा घंटा बोल करके 3.5 घंटा हम लोग का टाइम लगा, 3-3.5 घंटा वैसा टाइम लगा। पता नहीं वो खाली मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी बिल दिखा देते हैं चलो आप लोग को। तो ZX Trav वाला मिरर का हम लोग का प्राइस बढ़ा था 1800, फॉग लाइट का हम लोग का लगा 1300, स्विच का लगा 180, लीवर गार्ड का लगा 450, एंड इंडिकेटर जो लगा LED वाला उसका लगा 100 रुपया। तो आप लोग एंड जो लेबर चार्ज लगा 250 रुपया, टोटल हम लोग का हो रहा 4080 रुपीज। तो इतना हम लोग का खर्चा आया। बाकी आप लोग बोलना कि ये सब वर्थ इट है या नहीं, जो प्राइस के हिसाब से जो मेरा काम मैं कर रहा है वर्थ इट है या प्राइस मेरे से ज्यादा लिया या फिर कम लिया, आप लोग मेरे को बताना। बाकी आई होप कि वाला वीडियो भी आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना भाई, लाइक तो कर ही देना, बिकॉज देखो आप लोग बोले थे, आप लोग का डिमांड पे मॉडिफाई करवाया अपना बाइक, एंड इतना भीग के गया। तो भाई लाइक बटन जरूर से दब जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा क्या क्या मैं लगवाया हूँ, कैसा क्वालिटी है, सब कुछ अच्छे से हम लोग रिव्यू करेंगे बेसिकली, ताकि आप लोग भी अगर कोई लगवाने का प्लान करो तो आप लोग को मालूम हो कि कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज का व्लॉग को बस ये एंड करते हैं गाइस, सो बाय।